दिस इज स्वैग लेक। वॉच द फुल ब्लॉग टू नो कि कैसी जगह है और यहाँ कैसे आना है। सी यू इन द होल ब्लॉग। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। ये बुटो जानी है और ये जॉन सीना। ये है सीमी। ये है मेरा दिल। ये है मेरा सीना। मैं हूँ जॉन सीना। उठ के यार, तुम भी उठे हो यार। 5:40 हो गए। हाँ, थोड़ा जल्दी से उठे। ओ टाइम थोड़ा यार उठना पड़ेगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू डू इज यू आर गोइंग टू अ ट्रिप। ऐसी आ रहे हैं जी। हम ट्रिप पे जा रहे हैं लेकिन उमर भाई कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना लॉस हुआ होगा। उमर भाई क्या लॉस हुआ है पढ़ाई में? पूरा दिन 24 घंटे लॉस में जाएंगे। हम स्वैग लेक जाएंगे और खेड़ा माइंस जाएंगे। और ये वो सबसे सेक्सी बॉय ऑफ ये मैन, दिस इज सुल्तान, दिस इज हसन, दिस इज सयाल, दिस इज उमर मकसूद थीटा, दिस इज गायटन अब्दुल्ला, दिस इज सऊद वाजी एंड दिस इज अंश आफ्ताब। ये मेरी टीम है और हमारी टीम का लीडर कोच जलाल इस्लाम। सी यू इन द बैग। यार ब्रो डोंट रूइन द मोमेंट ब्रो। बाल सेट हो गए हैं, बंद कर दे बस। ये हमारी कार है और ये हम है और ये हमारी पार्टी और ये है। So we're in the van now और हम सब जा रहे हैं बुटो जानी और जॉन सीना के साथ। ये बुटो जानी है और ये जॉन सीना। सुभान अल्लाह सखर लना आजा व मा कुन्ना लहू मुकरिनी। इतनी साफ आवाज तो देवो में आती नहीं है। देवो वाली बात नहीं है, ऐसी बात है बिल्कुल ऐसी। हम लोग मोटरवे के जरिए से खेवड़ा सॉल्ट माइन से होते हुए किधर जाएंगे? स्वैग लेक जाएंगे। और ये हमारा सफर तकरीबन 3.5 घंटे का होगा। कॉमेंट की सूरत में हमने साथ शॉपर रखे। आप क्या लेना पसंद करेंगे? दो डिस्टिंक्शन लेना पसंद करेंगे। अच्छा भाई कितने जाना है? पहले शालमी चौक उतरना है जे। पहले दूसरा चौक शालमी चौक है। हां जी भाई। तो मेहताब भाई के कहने पे हमने नाश्ता शुरू में कर लिया है। ये मेहताब भाई हमारे और हम पूड़ी चने नान लस्सी तगड़ा तगड़ा नाश्ता करके हम जा रहे हैं। ये मैंने पहली दफ़ा पढ़ा है। क्लेम योर चिकन फिले मील इफ यू डोंट गेट अ रिसिप्ट विद योर ऑर्डर। नाइस। हम मोटरवे के नीचे से गुजर रहे हैं। अंश को डर लग रहा है। पहली दफ़ा जा रहे हैं स्वैग लेक तो पहली दफ़ा देख रहा हूँ मैं रास्ता। स्विमिंग किस किस को आती है? सबको। मुझे नहीं आती।
तुम्हें आती है शायद। ओके जी, ये कलर का हार से कोई 10 मिनट आगे ड्राइव किए इन्होंने और यहाँ पे हमें उन्होंने उतार दिया और कह रहे हैं आधा घंटा यहाँ से आपने नीचे चल के जाना ट्रैक करके। तो हम ट्रैक करने लगे हैं और वी ऑल आर गेटिंग रेडी। हम सिर्फ अपने बैग्स में शॉर्ट्स वगैरह लेके जाएंगे। गाइस ये स्वैक लेक का ट्रैक है, इससे आगे गाड़ी नहीं जाती तो अब हमें पैदल ही जाना पड़ रहा है। टाइम तो हम सबका फर्स्ट टाइम है, एक न्यू एक्सपीरियंस है हम सब के लिए। देखते हैं कि कैसा रहता है, उसके बाद आपको अपडेट करेंगे। गाइस बहुत तेज बारिश हो रही है, लैंडस्लाइडिंग हो रही है जी। यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो गई थी तो इसलिए देखिए बैठ गया बंदा हमारा, इसके पैर पे ऊपर से पत्थर गिरा है पहाड़ से। जस्ट के लिए दिस इज द पार्किंग, काफी आवाम तो आई हुई है लग रहा है। 4 मिनट की द हाइक इज 4.5 किलोमीटर। ये एबीडी को जेट स्की की आवाजें आ रही हैं यहां पे। स्वैग लेक से 25 मिनट दूर है। अगर आप लोग BDS के हैं, यू शुड हैव गट्स टू लिसन दिस। बैठ जाओ सारे, कोई खड़ा ना हो। ये जो मैं अब स्टार्ट करता हूँ शुरू से, फर्स्ट ईयर से। ओए बस, इससे इतना भी फ्लैशबैक नहीं जाना। ये देखें, ये इन लोगों ने अगले साल हमारे साथ फेरी मेडोज जाना है। ये इनकी स्पीड है। ये देखें, ये वाम है यहाँ की, पाकिस्तानी वाम। मैंने अभी माइलो पिया, मैं इधर नहीं फेंकूंगा इंशाल्लाह। हमने कभी भी पहले कलर कार को इन नज़रों से नहीं देखा। बड़ा ही ज़बरदस्त व्यू एकदम से आया है। पहाड़ों का सूल है, पहाड़ों के साथ कभी गलत काम ना करो। ये कर रहे हैं, ये शॉर्टकट्स ले रहे हैं और देखें वहाँ पहुँच गए। यू शुड नेवर डू दैट, प्रॉपर ट्रैक से जाना चाहिए। मैंने सोचा नहीं था कलर कार के पास इतनी एक्साइटिंग जगह भी हो सकती। उमर साहब चप्पल में आ गए हैं। अंश आ जा। अंश भाई भी आ रहे हैं, बहुत डरते हैं। बस छोड़ दे व्लॉग, अब हर जगह नहीं बनाते। उस पे फोन अलग टूट जाएगी। काफी डिफिकल्ट हाइक है, कोई आसान नहीं है, पथरीला रास्ता है इसलिए जरा मुश्किल होती है। एंड वी मेड इट, हम पहुंच गए। ये है स्वैग लेक। मैं भी अब लेक में जा रहा हूँ।
बताओ भी हसन कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत स्वीट, बहुत मज़ा आया। पहली दफ़ा आया है लेकिन बहुत मज़ा आया है। सही स्विमिंग की है और इन्जॉय किया। इट वॉज हेक ऑफ एन एक्सपीरियंस। बहुत मज़ा आया। इतनी डीप वाटर में पहली दफ़ा मैंने स्विम किया है और सब ने बल्कि और बहुत हिम्मत के साथ हसन ने तो डाइव भी की। लाइफ जैकेट पहनी हुई थी लेकिन बहुत हिम्मत की बात होती है। हमने किया। नाउ वी गोइंग ऑन टू छोड़ा माइन। चली बैग पहन ले ना, तुम पहनोगे यार? कब से मैंने सामान तेरा मेरा, सामान तेरा मेरा। अंश भाई ने भी बहुत हिम्मत दिखाई है आज। इतने इतने बड़े वजूद के साथ उन्होंने वह इतने गहरे पानी में स्विम किया। सुल्तान भाई बेचारे मिड तक आए थे लेकिन मैंने बहुत कोशिश की आगे जाएं, बट कोई बात नहीं, फोबिया था इनको। और सऊद भाई ने भी बड़ी अच्छी स्विमिंग की, पहली दफ़ा जिंदगी में की। लेट्स गो। हेलो गाइस, बहुत मुश्किल हाइकिंग है, फुल थक गए हैं सारे और ये बैठ के इधर रेस्ट कर रहे हैं सारे। सारे सारे हिम्मत, सारों की हिम्मत जवाब दे गई है। और ये उमर भाई हमारे टॉपर गुस्सा भी कर गए थे, अभी अभी ये रेस्ट कर रहे हैं, शाम तक इनका रेस्ट ही चलना है। और भाई हिम्मत करो, आ जाओ, चले आ जाओ, निकल गए, आ जाओ अली भाई, आप भी आ जाओ, थोड़ा सा काम है यार, हिम्मत कर लो, बहुत मुश्किल हाइक है लेकिन बैठने से कुछ नहीं होगा, बहुत मुश्किल से हाइकिंग हुई। चलो देखें, सारों की डिहाइड्रेशन हुई पड़ी है, पानी भी नहीं साथ लाई, अब पानी पीने लगे हैं। शुक्र है पानी मिल गया यहाँ से। ये चाचा जी का थैंक्स करते हैं जिन्होंने हमें पानी पिलाया, हमें फुल प्यास लगी हुई थी। ये उमर भाई के काम देखें, ये वाले स्लीपर्स पहन के हाइकिंग करने आए थे, फिर मैंने उनको अपने शूज़ दे दिए, देखें इतना पाँव स्लिप हो रहा है यहाँ से, और बहुत मुश्किल से की है इस बस में हाइकिंग। ये चाचा जी हैं जिन्होंने हमें पानी दिया, ये इनका स्टॉल है, ये रेस्ट एरिया जहाँ पे अंश बैठा है, ये उमर बैठा है, साथ अली बैठा है, ये चाचा जी हैं। चाचा जी का बहुत शुक्रिया, आप चाचा जी को पैसे देंगे। बाकी ये एबीडी है, पीछे व्यू आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा है लेकिन हाइक बहुत मुश्किल है। अगर आप लोग आएँ तो हाइक का ध्यान में रख के आएँ और बंद जूते सब चीज़ें लेकर आएँ। हवा चल पड़ी है, बादल भी आ रहे हैं, शायद हमारे वापस पहुँचने तक बारिश हो जाए। अगर आपने आना है तो यहाँ पे जीप पे भी आ सकते हैं आप, एक पार्किंग पॉइंट है, वहाँ से जीप पकड़ के आ पाएंगे। ये होगा कि आपका ये वाला, ये हम लोग अब फाइनली पहुँच गए हाइक के बाद। ठीक 5 बजे से 10 मिनट पहले हम पहुंच गए हैं। प्लान ये है कि हम ट्रेन पे नहीं जाएंगे। हसन साहब अपना स्टूडेंट कार्ड नहीं लाए थे तो उसको इन्होंने इनको रिक्वेस्ट की हमने और इन्होंने हमें टिकट दे दी, इनका बहुत शुक्रिया। इनका नाम भी पूछ लेते हैं, आप अपना नाम बताइएगा। मंसूर अहमद साहब हैं, वेरी नाइस पर्सन, यूट्यूब पर आ रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया। See you inside the mine. यहाँ पे भी बहुत डेंजरस एरिया है, देखिए लैंडस्लाइडिंग हो रही है। देखिए हमने बहुत हिम्मत की है आगे, है ना, बारिश हो रही है। जस्ट अ शॉर्ट डिस्क्लेमर के कोई लैंडस्लाइडिंग नहीं हो रही है, इट्स एन इनसाइड जोक, वो हमारा आपस में एक है। सो ना सुहाइक लेक में थी कोई, ना इधर को, it's an inside joke. Here we go. Oh, it's getting cold and dark. How can we, yeah, with Jalal bhai trying to wire walk. Fire.
अच्छा हमने टूर गाइड नहीं लिया, इसलिए यहाँ पे आके टूर गाइड एक चीज बताते हैं टेम्परेचर के बारे में, दूसरी बात बताते हैं वो किंग अलेक्जेंडर था वो एक दफा यहाँ से गुजर रहा था, इसको डिस्कवर किसने किया है सॉल्ट माइन को, उसने उसके घोड़े ने डिस्कवर किया था, उसका घोड़ा यहाँ पे ना जमीन को लिक करने लग गया, उनको पता चल गया यहाँ पे नमक है, तो तब से इस इधर काने खोदने लगे और फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जब पाकिस्तान बना उसके बाद यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। और दिस इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सॉल्ट माइन, फर्स्ट लार्जेस्ट है चिली के अंदर मेरे ख्याल से, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट है दुनिया की सॉल्ट माइन। सेकेंड इंफॉर्मेशन इज टेम्परेचर, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है सॉल्ट, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर में विजिबली काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि गर्मी है बाहर, बट इट्स रियली कूल। दीज आर द वेंटिलेशंस, यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, हमें यहाँ ठंडा इसलिए महसूस होता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन सर्कुलेट कर रही होती है, हवा आ जा रही होती है, इस तरह के कई उन्होंने बताए थे हमें कि बने हुए हैं, अगर एक बार बंद भी हो जाता है ना किसी लैंड स्लाइडिंग की वजह से तो फिर वो दूसरा वाला काम आ जाता है, इस तरह वेंटिलेटर्स बने हुए। आई रिक्वेस्ट द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जलाल अस्लम ने ये ट्रैक पूरा इसके ऊपर चल के आए हैं, वो अलग बात है हमारा सहारा लेके आए। ये इन्होंने दीज वर द फर्स्ट सॉल्ट बिल्ट ऑफिसेस, सॉल्ट के बने हुए ऑफिस है यहाँ पे, प्रॉपर हर चीज है यहाँ पे भाई। ऑफिस तो ठीक है बट यहाँ जॉब करने कौन पागल आता था। इसकी डिटेल सुनो, इसके ऊपर कोई भी चीज फेंकोगे तैरने लग जाएगी, जो इसराइल के अंदर है ना सी, डेड सी उसका नाम है, उस पर भी यही कॉन्सेप्ट है, लोग उस पर तैरते हैं तो वो ऊपर आ जाते हैं उसके लेयर के ऊपर, बिकॉज वो सॉल्टी वाटर होता है, तो ये भी सॉल्टी वाटर है सारा। मैं कोई 8-10 दफा आया हूँ खेड़ो में, ये मैंने कभी नहीं देखा था, इतना गहरा है, जहन्नुम का लाश, यहाँ पे कब्रें हैं जहन्नुम में जाने वालों की, मजाक कर रहे हैं। दिस वॉज द फर्स्ट एवर बिल्ट मॉस्क आउट ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट ब्रिक्स, और ये ऐसी सॉल्ट है, इन्होंने बताया था गाइड ने कि ये वाहिद ऐसी सॉल्ट है जिसके अंदर से लाइट पास करती है, ये वो देखो उसके अंदर ट्रांसलूसेंट इसे कहते हैं, ये होता है पिंक सॉल्ट या, और ये खाने के लिए बहुत अच्छी होती है। यस, इससे ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ता बिकॉज इसमें सोडियम नहीं होता। डैडी बताते होते हैं सी सॉल्ट नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए। अच्छा मैं यहाँ बचपन से आ रहा हूँ और मैंने इस पहाड़ को बड़े होते नहीं देखा, ये कहते हैं यहाँ से ऊपर से ड्रिप करती है सॉल्ट वाटर की फॉर्म में और यहाँ सारी फिर जम जाती है। ये वाला जो है ना ये छोटा था पहले, ये मुझे याद है ये पहले बहुत छोटा था, ऊपर से पानी गिरता था और ये बड़ा होता जा रहा था, और ये मस्जिद नहीं बन गई काइंड ऑफ, ये है गुंबद और ये है मीनार। इट इज स्टैलेगमाइट, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, स्टैलेगमाइट इस सॉल्ट का नाम है एंड इट इज फॉर्मड ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। And finally the iconic Minar-e Pakistan made out of salt, salt bricks. देखिए कहीं उसे light pass कर रही, कहीं salt से नहीं कर रही, beautiful. और ये आपने cover picture में भी देखा होगा thumbnail में, यहाँ पे लिखा हुआ है don't break, ये आप लोग पढ़ सकते हैं don't break the any crystals. ये होता है जब आप लोग ऑनलाइन क्लासेस से FSC और अपनी तालीम हासिल करते हैं, तो कहते हैं क्या एनी एनी क्रिस्टल का नाम है वो वाला तो छोड़ना। ये देखिए अलेक्जेंडर के सोल्जर्स ने किया डिस्कवर, और फिर ये सॉल्ट माइंस जो है 1500 में किंग अकबर ने इसके ऊपर डिगिंग स्टार्ट की, और फिर मुगल्स ने इसके ऊपर टेक ओवर किया, फिर ब्रिटिश ने, और अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंदर आता है लिखा, लेकिन खेड़ा माइंस प्राइवेट लिमिटेड हुआ है, तो आई थिंक इट्स अ प्राइवेट कंपनी, और ये इन्होंने नई चीज़ें बनाई, मैंने कभी नहीं देखी थी। अनफॉर्चुनेटली क्रिस्टल पैलेस क्लोज था हर दफ़ा की तरह, पता नहीं क्यों ये लोग क्लोज करते हैं इसको, बॉयज़ का भी मज़ा ख़राब हुआ, बट इनको फ्लैश ऑन करके मैंने दिखा दिया था। दिस इज़ माई फेवरेट स्पॉट इन खेड़ा माइंस। ये है वो दीवारें जिनको हम लिख करें तो हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है, ये कहते हैं आगे लोग।
मुझे इस वाले स्पॉट से बहुत डर लगता है, बिकॉज मुझे लगता है कि मेरा फ़ोन यहाँ पे कहीं गिर जाएगा इस पानी में, यहाँ मुझे फ़ोन खो भी आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल व्लॉग, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया हो और होप वी एंटरटेन यू विद आवर लेम जोक्स एंड दिस इज सुल्तान साइनिंग ऑफ एंड यू लाइक द व्लॉग। हसन अब्दुल्ला शहजाद भाई बोल दे हंस भाई, हंस भाई, हंस भाई, साउथ साउथ भाई और आखिर टॉपर बॉय। सो सी यू अगेन, और जलाल और अब्दुल्ला भी हैं, उनकी मैं नीचे यहाँ पे तस्वीरें लगा रहा हूँ, यहाँ पे एक और ये दूसरा। ओके गाइस, सी यू, अल्लाह हाफिज़ एंड सब्सक्राइब।